हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6 का 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व किए थे। ओके, 1 एंड 2 सॉल्व किए थे। नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नीचे के कोणों को देखिए और कौन कौन परस्पर इसमें पूरक है ये हमें देख के बताना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 31, 47। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ, 31, 47, 64, 29, 43, 59, 17 एंड 26। इतने यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि वेदर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें से कौन कौन बना रहे हैं, यानी पूरक कौन 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 बन रहा है इसमें। ठीक है, तो 31 को हम लेकर चलते हैं। 31 के साथ हम इसमें से क्या ऐड करें कि मेरा 90 डिग्री हो जाए। 47 ऐड करेंगे तो होगा नहीं, 64 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा। हाँ, 59 हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेकर चलते हैं। 31 प्लस 59 यदि हम ले लें तो यहां मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी यह एक पूरक कोण है। ठीक है, सो मेरा यहां पे कौन कौन बना रहा है, 31 एंड 59 डिग्री। ओके, नाउ और हम इसमें से अब देखते हैं 47 को देखते हैं। 47 के साथ हम क्या लेंगे कि मेरा 90 डिग्री आ जाए। 47 के साथ 64 कभी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 43 में भी हो सकता है, देखेंगे हम लोग। 47 प्लस 43 दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो यह एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी यह एक पूरक कोण है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पूरक कोण कौन बना रहा है, 47 एंड 43 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। ओके, नाउ 64 को देखते हैं। 31 के साथ मेरा 59 आ गया, 47 के साथ 43 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब हम 64 को लेकर चलते हैं। 64 के साथ हम क्या लें कि मेरा 90 डिग्री हो जाए। 64 के साथ हम 26 शायद लेकर देखते हैं। 64 प्लस 26 दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी यह एक पूरक कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि 64 एंड 26 डिग्री को हम लेकर चलेंगे तो यहाँ पे मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ओके, और अब क्या बचा, 29 और 17 बचा, जो कि कभी नहीं हो सकता। 29 प्लस 17 कभी 90 डिग्री नहीं होगा। सो मेरा 31 एंड 59 पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया, 47 एंड 43 बनाया, और 64 और 26 डिग्री को लेकर हम 90 डिग्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नीचे के कोणों को देखिए कौन कौन परस्पर संपूरक हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हमें यहाँ पे एग्जामिन करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें संपूरक कोण बना रहे हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। 47, 58, 69, 75, 133, 105, 122 एंड 125। ओके, इतने सारे यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें संपूरक कोण बना रहा है। 47 को हम लेकर चलेंगे। 47 के साथ हम क्या ऐड करेंगे कि मेरा 180 आ जाए, तो कभी ये सब तो कभी नहीं हो पाएगा, शायद 133 हो
देखते हैं हम लोग 133 लेकर 133 प्लस 133 प्लस 47 दैट इज 180। सो क्या है ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह संपूरक कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 47 एंड 133 डिग्री संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब 58 को देखेंगे, 58 के साथ हम क्या लें कि मेरा 180 आए, तो 58 के साथ ये सब लेने से तो नहीं हो पाएगा, शायद 122 लेके देखेंगे। 58 प्लस 122 दैट इज 180 सप्लीमेंट्री एंगल। 180 तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, यानी ये सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, यानी एक दूसरे के संपूरक हैं। इनको जोड़कर मेरा यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, यानी इनको ऐड करके मेरा 180 डिग्री आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 58 एंड 122 डिग्री इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं 75 लेकर 75 के साथ हम क्या लें, 75 लेकर हम देखते हैं, 75 को हम लेकर चलते हैं 105 के साथ, 105 तो मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 180 हो जा रहा है, यानी कि यह एक संपूरक कोण है, ठीक है। सो 75 डिग्री एंड 105 डिग्री इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी यह एक संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, ठीक है। नाउ अब मेरा इसमें से क्या बचा, 75 हो गया, 58, 47, 69 बचा और इधर से 125 बचा। 69 और हम 125 को लेकर देखते हैं तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह यहां पे हो जा रहा है 194 हो जा रहा है, ठीक है, 194 डिग्री हो रहा है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो यह एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, संपूरक कोण नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या क्या बनाया, मेरा बना रहा 47 एंड 133, 58 एंड 122, 58 एंड 122, 75 एंड 105, यह सभी सप्लीमेंट्री एंगल हमारा बना रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि संलग्न कोण किसे कहते हैं और निम्न में से कौन कौन संलग्न कोण है, यानी व्हाट इज एडजेसेंट एंगल और इनमें से कौन कौन से या एडजेसेंट एंगल है ये हमें देखना है, ठीक है। तो संलग्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स किसे बोलते हैं, ये हम द टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, दो एंगल एक संलग्न कोण तब होता है जब जिसका दे हैव अ कॉमन साइड, यानी कि एक उसकी उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण उसका शीर्ष बिंदु उसका उभयनिष्ठ हो, उसे हम संलग्न कोण बोलते हैं। यानी वन कॉमन साइड एंड अ वर्टेक्स इज कॉमन, ओके। टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, दे हैव अ कॉमन साइड एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनका जो शीर्ष बिंदु हो वह उभयनिष्ठ हो, शीर्ष बिंदु यानी कि कॉर्नर पॉइंट उसका उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो, ओके, उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, यानी संलग्न कोण बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें से कौन कौन से मेरे संलग्न कोण हैं,
यह हमें देखना है। ठीक है, तो आप लोग ड्राइंग में देखो इस टाइप का दिया हुआ है, ए बी ऐसे दिया हुआ है। इसमें आप लोग अच्छी तरह से देखो तो इसका एक कॉमन साइड है, यानी उभयनिष्ठ भुजा भी है और इसका वर्टेक्स भी है, सेम कॉमन है। सो यह एक संलग्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है, ओके, यानी यह एक संलग्न कोण है। दूसरा जो ड्राइंग है उसमें भी इसी टाइप का दिया हुआ है, इसका एक कॉमन साइड है और इसका वर्टेक्स भी सेम है, यानी कॉमन है, तो यह एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तीसरे ड्राइंग में भी सेम इसी टाइप का दिया हुआ है, जिसका कॉमन साइड ये हुआ और वर्टेक्स भी सेम है, यानी कि इसका शीर्ष बिंदु भी सेम है। ठीक है, जो यहाँ पे ड्राइंग फोर दिया हुआ है, इस टाइप का दिया है, इसका कॉमन साइड तो है लेकिन वर्टेक्स इसका अलग हो जा रहा है, यानी शीर्ष बिंदु इसका अलग है, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसलिए यह एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल नहीं है, ओके। ये तीनों एडजेसेंट एंगल है, यानी तीनों संलग्न कोण है लेकिन यह नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है कि स्वयं चांद की सहायता से संलग्न कोण बनाएं और उसका योगफल निकालें, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ये एडजेसेंट एंगल बनाना है और उनका ऐड करके उनको निकालना है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है 35 डिग्री एंड 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 45 डिग्री हम निकालते हैं, पहले इसका ड्रॉ करते हैं। आप लोग प्रोटेक्टर के सहायता से, यानी चांदा की सहायता से आप लोग निकालना। ये हो गया मेरा 35 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आएगा, हम इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी, ओके। देखो आप लोग अच्छा से, एक मेरा ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। सो एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी कितना है, एंगल सी ए बी और एक ये एंगल बन रहा है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए बी मेरा है 35 डिग्री और एंगल सी ए डी है मेरा 45 डिग्री। ठीक है, 35 प्लस 45 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, ये मेरा एडजेसेंट एंगल है, 80 डिग्री आया। ठीक है, नाउ बी में दिया हुआ है 18 डिग्री एंड 42 डिग्री, 18 एंड 42 डिग्री। फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं, फोर्टी टू इस टाइप से आएगा और 18 इस टाइप से आएगा, ये 18 डिग्री होगा और ये होगा 42 डिग्री। आप लोग प्रोटेक्टर से कर लेना, चांदा की सहायता से आप लोग बनाना। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। सो हम लोग अब इसका लिखते हैं, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी एस, आर पी एस इक्वल टू आर पी क्यू, ये मेरा कितना है 18 डिग्री है, 18 डिग्री प्लस आर पी एस दैट इज 42 डिग्री, कितना निकला, ठीक है 60 डिग्री निकला, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एंड 90 डिग्री, 32 डिग्री एंड 90 डिग्री, 32 और 90 हम बना रहे हैं। नाइन्टी मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन होता है,
सो 90 डिग्री एंड 32 डिग्री, ये मेरा 32 डिग्री होगा और ये मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं M N O P, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने M N O P दिया, O M N, एंगल O M N, इस एंगल को हमें लेना है एंगल O M N प्लस एंगल O M P, O M P इक्वल टू कितना हो रहा है 32 प्लस 90 डिग्री, ठीक है 32 प्लस 90 डिग्री दैट इज 122 डिग्री, ओके समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 73 डिग्री एंड 63 डिग्री। चलो हम बनाते हैं 73 एंड 63। सेवेंटी थ्री मेरा 90 से थोड़ा नहीं ज्यादा ही कम होता है और 60 इस टाइप का होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लोग प्रोटेक्टर से करना, मैं तो ऐसे ही कर रही हूं। इस टाइप से हो सकता है, ये मेरा होगा 73 और ये मेरा होगा 63 और ये 73 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई जेड ओ मैंने यहां पे दे दिया, ठीक है एक्स वाई जेड यहां पे, या फिर आप यहां ओ दे दो और यहां जेड दे दो, एक्स वाई है ये, एक्स वाई जेड एंड ओ, सो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ एक्स वाई, एंगल ओ एक्स वाई प्लस एंगल ओ एक्स जेड, ओ एक्स जेड इक्वल टू 63 प्लस 73 डिग्री, ओके दैट इज 136 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छे से देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके बाय बाय एंड थैंक यू।